हमारे पास डील दो प्रकार के होते हैं, एक रिटेल के अंदर, एक होलसेल के अंदर। रिटेल जो कस्टमर है वो तो हमारे वेबसाइट पे जाके परचेसिंग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.clickday.in। तो कुछ कारोबार शुरू करने वाले रेस्टोरेंट टाइप है तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, बल्क में चीजें परचेज कर सकते हैं, आपको सारी चीजें बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में देने वाले, प्रोवाइड करने वाले। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4 दिन के अंदर हम होलसेल कस्टमर का भी डिलीवरी करवा देते हैं। जितना भी बड़ा ऑर्डर है आपका, 100 पीस का रहे या 5000 पीस का रहे, ऑर्डर हम सेम 4 डे के अंदर डिलीवरी करवा देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब वॉक। मैं जिम मित्तल, आज आपको लेके आया हूँ JDX पिलो की फैक्ट्री में। देखिए मेरी सिंह की फैक्ट्री दिल्ली में लोकेट करती है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे इनके किस तरीके कुशंस, पिलो, बॉलिस्टर बनते हैं। आप डायरेक्ट इनसे जुड़ सकते हैं। खास बात ये रही है आप इनसे मैन्युफैक्चरिंग के रेट्स में परचेज करने वाले, जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने सारी चीज़ें खुद से बन रही है। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आप होलसेल में भी डील कर सकते हैं और आप रिटेल में जुड़ना चाहते हो तो रिटेल में भी इनसे परचेज कर सकते हैं। सर मैं आपको फैक्ट्री के इंचार्ज से मिलवाता हूँ और जानेंगे सारा प्रोसेस। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, आपका क्लब वॉक में एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद आपकी वीडियो आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बार इन्होंने काफ़ी सारे नए नए प्रोडक्ट्स एड ऑन किए, तो सर शुरुआत कहाँ से करने वाला बताइए एक बार। सर देखिए, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने दिखाया था पिल्लों की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाया था, इस बार भी हम पिल्लों का पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाने वाले हैं। कैसे पिल्लो तैयार होते हैं, क्या फैब्रिक यूज होता है, क्या फाइबर होता है, क्या कंप्रेसिंग होता है, सारे इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल व्यूअर्स, मैं बताना चाहूँगा जो भी कोई अपना व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में इनसे जुड़ के व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। सारी तरह की सहायता आपको करने वाले, बिल्कुल नंबर आपको जो है आप इनको डायरेक्ट कॉल कीजिए। तो चलिए सर शुरू कहाँ से करने वाला बताइए। चलिए सर, फाइबर ओपनिंग मशीन से स्टार्टिंग होती है। बिल्कुल, देखिए स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे क्या सामान तैयार किया जाता है, स्टार्टिंग स्टेज। बिल्कुल चलिए, जैसे कि देख सकते हैं पूरी रुई की खान है, आप देख सकते हैं इसमें मैं गुजर रहा हूँ। और शुरू कीजिए कहाँ से करने वाले, ये लीजिए। सर देखो ये रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है। बिल्कुल बिल्कुल, इस मशीन के डलने के बाद इस तरीके से रॉ मटेरियल बन जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी मशीन स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फिर मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये होता है रॉ मटेरियल, जैसे कि हम रुई बोलते हैं मोटे मोटे तौर पे, है ना। से आप सब देख रहे हैं ये पूरा बड़ा पहाड़ है फैब्रिक का, इसमें देखिए कई सारी क्वालिटी होती है। मैंने भी जब इनसे पूछा तब इन्होंने मेरे को बहुत बारीकी से बताया। तो व्यूअर्स मैं आप सबके लिए फिर से पूछता हूँ इनसे, सर बताएंगे इनके फैब्रिक के बारे में कैसे क्या। सर ये रॉ मटेरियल होता है, इसके अंदर अलग अलग वैरायटी आते हैं। इसके अंदर जैसे अभी हम माइक्रो फाइबर यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर पॉलिस्टर फाइबर आता है, सिलिकॉन आता है, नॉन सिलिकॉन आता है, रिलायंस के फाइबर आते हैं और भी अदर प्रकार के बहुत सारे फाइबर आते हैं। जो इसके अंदर आपको पॉलिस्टर के नाम पे या माइक्रो फाइबर के नाम पे बहुत सारे सप्लाई हो रहे हैं पर वो एक्चुअल में वो फाइबर रहता ही नहीं है, वो सबसे लो क्वालिटी का रहता है, उसका मान के चलिए नाम रहता ही नहीं मार्केट के अंदर, वो कचरा के नाम से बिकता है। बिल्कुल, और जो हम फाइबर यूज कर रहे हैं ये लगभग ऑल ओवर इंडिया के अंदर, मतलब परसेंटेज में भी नहीं मैं कहूँगा, कुछ लोग ही यूज करते हैं, परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, कुछ लोग ही ये इस फाइबर को यूज कर पाते हैं जो अच्छी क्वालिटी का फाइबर देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है। सर इनकी लाइफ किस तरीके से रहती है, जैसे ये वाला जो मटेरियल है इसका लॉन्ग लास्टिंग लाइफ कितना रहेगा बताएंगे? देखिए सर, आप पिल्लो या कुशन के अंदर कवर लगा के रखते हो तो आराम से आपका 1 से 1.5 साल आराम से चलने वाला, ठीक है। बाकी आप कवर नहीं लगाते हो, आप विदाउट केयर रखते हो तो वो मुश्किल से मुश्किल आपका 6 महीना 7 महीना ही चल पाएगा। वो आपके केयर के ऊपर है, आप केयर कितना अच्छे तरीके से रख रहे हो। सपोज कर लीजिए आपकी ये फ़ोन है आपका, आप ये फ़ोन को कितने सही तरीके से संभाल के रखते हो, आप हमेशा जेब के में रखते हो, ऐसा तो नहीं है ना आपने फेंक दिया इधर तो फेंक आप सीधा फेंक दोगे तो 2 मिनट के अंदर टूट जाएगा। तो आप ये कंपनी की गलती नहीं है कि जी ये खराब मटेरियल का बना रहा है, वो केयर के ऊपर है आप किस तरीके से कुशन और पिल्लों का केयर कर रहे हो, उस तरीके से केयर करो वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए वीर्स आज मैं आपको इनका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी होटल है या फिर आपका कोई भी बड़े स्केल पर कुछ कारोबार शुरू करने वाले रेस्टोरेंट टाइप है तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, बल्क में चीज़ें परचेज कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें बहुत ही नॉमिनल प्राइसेज में देने वाले, प्रोवाइड करने वाले। आप खुद की ब्रांडिंग भी करवा सकते हैं इनसे, ये फैसिलिटी भी आपको ये प्रोवाइड करने वाले। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं और जानेंगे पूरा प्रोसेस और आप इस इनसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं सारी चीज़ जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से होती है वैसे, ये लीजिए जैसे ये फाइबर होता है, फाइबर को सारा पिक करके ना इस मशीन में डाला जाता है, जैसे ये लीजिए यहाँ पे इस मशीन में डालने के बाद इस तरीके से फाइबर बन जाता, प्रोडक्ट निकलता है। हाँ ये लीजिए, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है, मखमल बिल्कुल जिसे कहते हैं वो प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है। ये देख सकते हो सर, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो आपको मैं सारा फाइबर, ये देखो इसको बिल्कुल ही छोटे से मुट्ठी में कर सकते हो इतने फाइबर को। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो इतना सॉफ्ट है,
बहुत प्यारा आपको ये मटेरियल मिलने वाला है। इसमें देखिए आपको क्वालिटी यहाँ पे सारी आपको बेटर मिलेगी। देखिए इस तरीके से पूरा खदान मशीन में एक बारी में निकाला जाता है। और इसके बाद क्या प्रोसीजर था बताएंगे थोड़ा सा सर? इसके बाद ये फाइबर फिलिंग का काम आता है, फाइबर फिलिंग इस साइड हो रहा है। अब चलिए कुछ इस तरीके से व्यूअर सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है मशीन में, निकलने के बाद कुछ इस तरीके से सारा सॉफ्ट और स्पॉन्जी मटेरियल निकलता है। ठीक है सर, इसके बाद का प्रोसीजर सर? इसके बाद ये कवर होता है, इस कवर के अंदर फिलअप होता है फाइबर, जो अभी हमने निकाले मटेरियल मशीन के द्वारा वो इसके अंदर फिलअप होता है। फिलअप मतलब इसके अंदर फिलिंग की जाती है। अभी हाल फिलहाल में अभी क्या बन रहा है इस वाली फैक्ट्री में? इसके अंदर अभी 16x16 का साइज बन रहा है, कुशन बन रहा है। कुशन 16x16 साइज, 16x16 मतलब ये मोस्टली सोफों के उस पर यूज किया जाता है। सोफे पे यूज करा जाता है, ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है ये, मोस्ट सेलिंग आइटम। ठीक है, चलिए देखिए। इसके बाद यहाँ पे बेटिंग होता है। बेटिंग का मतलब ये होता है जो हमने क्वालिटी मेंटेन करा, जो हमने फाइबर के अंदर वेट डाला वो प्रॉपर तरीके से डाला है या नहीं डाला। बिल्कुल, देखिए सारी ना वेटिंग के हिसाब से सारा फिलिंग की जाती है, देख सकते हैं। कुशन का जो मटेरियल है ये भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको, आप खुद देख लीजिए व्यूअर्स, एक अच्छा मटेरियल यूज किया जाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। फिलिंग के बाद जो प्रोसीजर होता है, सारी फिलिंग होती है, एक इक्वल वेट रखा जाता है सब में। ठीक है, इसके बाद बताइए सर? सर इसके बाद आता है सिलाई का, स्टिचिंग का काम, जो इस साइड से ये ओपन है, ये इधर आने के बाद स्टिचिंग होता है। बिल्कुल, यहाँ पे स्टिचिंग का प्रोसेस होता है। देखिए उसमें स्टिचिंग के साथ ये लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद हो चुका, क्लोज हो चुका। बिल्कुल, ठीक है, ये अभी ये लगभग कुशन तैयार है, अभी पे भी नहीं गए, कुशन तैयार है, पर लगभग ये कुशन तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, इसके बाद देखिए व्यूअर्स, इसमें ना स्टिच यहाँ पे किया जाता है, ये सारा स्टिचिंग का प्रोसेस होता है। सर इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? सर इसके बाद यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग का काम होता है। क्वालिटी चेकिंग का मतलब ये है कि कहीं से कटे या कहीं से फटे हुए तो नहीं है, या कहीं से धागा तो नहीं निकला है, या कहीं से ऐसा तो नहीं है जो हमने बेटिंग करा वो वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई और यहाँ पे चेक हो जाए। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि ओवरवेट तो कहीं से नहीं है, मतलब सारी जगह से इक्वल है या नहीं है वो चीज़ यहाँ से, और बिल्कुल ही आपका फिर माल फाइन होने के बाद यहाँ पे आ जाता है कंप्रेसिंग के लिए। बिल्कुल, कंप्रेसिंग का स्टेज होता है। कंप्रेसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ना उससे पहले ना इसके ऊपर रैपिंग की जाती है, बताएंगे सर इसके बारे में भी? बिल्कुल सर, इसके अंदर रैपिंग करा जाता है, ये इसके बारे में बताया जाता है, ये ओपन कैसे करना है, किस तरीके से होना है, क्योंकि अभी मैं दिखाने वाला हूँ। कंप्रेसिंग के बाद बहुत सारे कस्टमर को वो कंफ्यूजन रहता है, ये ओपन कैसे होगा, ओपन कैसे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंप्रेसिंग के बाद ये बिल्कुल ही पतला हो जाता है, मतलब प्रेस हो जाता है, बिल्कुल ही एक इंच के सेप में आ जाता है। देखिए ये जैसे आप देख रहे हैं, कम से कम 10 से 12 इंच के सेप में, और ये कंप्रेसिंग के बाद 1 इंच के सेप में बनने वाला है, 1 इंच में। हाँ जी बिल्कुल, वो सबसे खास लगा मेरे को व्यूअर्स, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो सबसे एक कह सकते हैं कि आप मैजिक प्रोसेस होता है। जैसे ये देखिए, सारा लोड ना क्या होता है कि आप इसको कैरी करके नहीं ले जा सकते, क्योंकि थोड़ा टफ होता है इस चीज़ को कैरी करना, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक अलग से सेटअप कर रखा है जहाँ पे सारी जो भी क्वेश्चन है इसको प्रेसिंग की जाती है। ये वाले भैया भी प्रेसिंग करे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस, इन्होंने क्या किया कि प्रेस करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे सेटअप कर लिए, 3 से 4 एक बार में किए जाते हैं, और ये अब कमांड देंगे, देख लीजिए। कमांड देने के बाद कुछ इस तरीके से इनको पुशिंग की जाती है, इस पर ये देखिए प्रेसिंग की जाती है, आप देखेंगे बिल्कुल लाइट वेट हो जाता है ये सारा प्रोसेस करने के बाद मटेरियल, ये लीजिए कुछ इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट इस तरीके से हो गया। बिल्कुल ही, अब ये कस्टमर को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, ऐसे जाता है माल तो कस्टमर को ये दिक्कत रहता है, भाई ये तो क्या आ गया, सिर्फ कवर ही दे दिया, कवर दे दिया। बिल्कुल दिखने में ऐसा लगे जैसे कि ये बिल्कुल पेपर दे दिया, पेपर दे दिया तो कुशन के नाम पे, पर ये कुशन ही एक्चुअल में होता है, जैसे इसको अंदर ओपन होगा, बिल्कुल जैसे इसके अंदर एयर पास होता है, ये प्रॉपर तरीके से ऑटोमेटिक सेप ले लेगा। बिल्कुल, ये लीजिए आप, जैसे इन्होंने ओपन किया और ये बाहर निकालने के साथ देख लीजिए, आपके सामने पूरा मैजिक दिखाया है, मैजिक से कम नहीं था। राहुल भैया आपने बहुत अच्छा मैजिक दिखाया है। नहीं ऐसा तो मैजिक हमारे पास पर डे ही होता है, मतलब देखिए ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप ना इतने सारे माल को कैरी करके नहीं ले जा सकते, इसलिए प्रेसिंग की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हर सिटीज में हर स्टेट में बेच। बिल्कुल सर, कंप्रेसिंग का मतलब यही है, इजीली से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम हो जाए, कम हो जाए, जैसे कस्टमर का जो भी होलसेल कस्टमर है उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 100 पीस के अंदर ही पूरा मतलब टाटा 407 बुक करना पड़ जाएगा। बिल्कुल, और वैसे हम कंप्रेसिंग कर देते हैं उससे मुश्किल से एक छोटा सा बैग बनने वाला है। सर इसका बताएंगे, जैसे इसमें वेट राउंड अप्रोक्स मान लीजिए कि 500 ग्राम का होता है, प्रेसिंग के बाद क्या सेम वेट रहते हैं, कम हो जाता है? सर देखो आपके सामने इसके अंदर फाइबर ना निकला है, ना इसके अंदर ऐड हुआ है, बिल्कुल जितना आपका स्टिचिंग के बाद फाइबर है उतना ही रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए व्यूअर्स ये इसलिए पूछा मैंने कि कई व्यूअर्स का ये होता है कि सर जैसे अगर प्रेस कर दिए तो वेट में तो कोई
नहीं सर, बिल्कुल वेट के अंदर 1% का भी चांस नहीं है, कम हो जाए आराम से, मतलब कि आप जितना वेट अभी हमने फिलअप करा उतना ही वेट रहने वाला मिलने वाला। देखिए फिर बहुत ही एक शानदार प्रोडक्ट आपको यहाँ पे इनके मिलने वाले। देखिए काफी सारी रेंज और क्वालिटी आपको यहाँ पे। प्रेसिंग के बाद अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, शुरू कीजिए कैसे क्या होता है सर। देखिए कंप्रेसिंग के बाद यहाँ पे पैकिंग का काम होता है, जैसे इसके अंदर अभी पैकिंग का काम हो रहा है बिल्कुल, जैसे ये अभी एक पीस है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट रहता है जी 5 पीस का सेट चाहिए या 2 पीस का चाहिए या 3 पीस का चाहिए, तो वो भी हम ऐड करवा सकते हैं। आप जैसे पैकिंग चाहते हो वैसे हम पैकिंग करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी ये 5 पीस का सेटअप बन रहा है, सेट हो रहा है, बाकी आप चाहते हो जी 3 पीस का सेट चाहिए 2 पीस का सेट चाहिए, तो वो भी हम बना के वो सारा मिलेगा। देखिए जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ना सारा सेटअप हो गए, अभी ये क्या है कि 2-3 पीस इकट्ठे, जैसे 2 पीस 2 पीस 4 पीस 8 पीस इस तरीके से पैकिंग की जाती है, और इसको ना इनमें रैपिंग की जाती है फिर सील की, जैसे इस पर ना खास ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी आइटम आपका ना खराब ना हो। इसके अंदर पैकिंग का एक खास बात है, जैसे बरसात का मौसम में या और भी दूसरे मौसम चल रहे हैं, तो इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कुछ असर ना आए, जैसे बारिश हो गया रास्ते में ट्रांसपोर्ट में जा रहा हो, बारिश हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा, माल पूरा गीला हो जाए और पूरा खराब हो जाए। पर इस तरीके से पैकिंग रहेगा, पूरा सील पैक पैकिंग रहता है, कहीं से कहीं तक पानी भी नहीं जाने वाला। बिल्कुल वाटर रेजिस्टेंट वाटर प्रूफ आपको पैकिंग की जाए, वाटर प्रूफ है बिल्कुल ही, 1% का भी इसके अंदर पानी आपका नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका सेफ्टी से पहुंच जाएगा। बिल्कुल देखिए मतलब पूरी सेफ्टी मेजर्स के तहत ये सारी चीजों को मेंटेन करते हुए सारा प्रोसेस बना के रखते हैं ताकि आप तक सही सलामत ये प्रोडक्ट पहुँच सके। ठीक है सर, ये तो था एक पोर्शन, जैसे आपने दिखाया यहाँ पे सिर्फ अपने छोटे साइज के कुशन्स मैन्युफैक्चर हुए, अपने पास और क्या क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें डीलिंग करते हैं? देखिए सर, इसके अंदर कुशन के अंदर जो मेन साइजेस होते हैं पिल्लो के अंदर 16x24x27x27 होते हैं, कुशन के अंदर 12x12x16x18x18x24x24 जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है। बिल्कुल, बाकी कस्टमर को अपना साइज के हिसाब से साइज कस्टमाइजेशन करवा लेना होता है तो वो भी हम बना के दे देंगे आपको। जैसे साइज कस्टमर को चाहिए 12x18 चाहिए या 13x19 का साइज चाहिए तो वो भी हम बनाने के लिए रेडी हैं। हाँ, मिनिमम कम से कम कस्टमाइज साइज के लिए आप स्पेशल भी ऑर्डर देते हो उसका कम से कम 100 पीस का ऑर्डर रहना ही रहना है। बिल्कुल देखिए मतलब मिनिमम आपको 100 पीस का ऑर्डर इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सर व्यूअर्स को मैंने शुरू में रिवील किया था कि आप इनसे होलसेल में परचेज कर सकते हो रिटेल में, तो उसके बारे में सर अभी मैं डील के ऊपर आता हूँ। हमारे पास डील 2 प्रकार के होते हैं, एक रिटेल के अंदर एक होलसेल के अंदर। बिल्कुल, रिटेल जो कस्टमर है वो तो हमारे वेबसाइट पे जाके परचेसिंग कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का नाम है www.clickday.in, वहाँ पे जा से परचेसिंग कर सकते हैं इजीली। रिटेल कस्टमर का वहाँ पे ऑफर नई वैरायटी सारी चीज़ लॉन्च होते रहते हैं, वहाँ से वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिटेल कस्टमर के लिए एक चीज़ और खास चीज़ है, सबसे ज़्यादा इशू रहता है शिपिंग का। शिपिंग मतलब और भी अदर प्लेटफॉर्म से या कहीं और से परचेसिंग करते हो तो सबसे ज़्यादा इशू रहेगा जी शिपिंग कितने दिन में होगा, डिलीवरी कितने दिन में होने वाला है। दिल्ली NCR के अंदर हमारी कंपनी सेम डे डिलीवरी आपको दे रही है, दिल्ली NCR, जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली, पूरा ये 5 एरिया हम पूरे दिल्ली NCR के अंदर सेम डे डिलीवरी देते हैं। जैसे कस्टमर का आज 1 बजे ऑर्डर आया तो रात के 8 बजे तक डिलीवरी हो जाएगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आता है, ऑल ओवर इंडिया से, जैसे कस्टमर कोलकाता से या बेंगलोर से तो लगभग हम उनको 4 दिन के अंदर में डिलीवरी दे देते हैं। जो बड़ी से बड़ी कंपनी वो कम से कम भी तो आपको 1 हफ्ते का टाइम लगा देती है डिलीवरी में, और हम आपको 4 दिन के अंदर डिलीवरी देने वाले। अब होलसेल कस्टमर के लिए बात कर लेते हैं, होलसेल सर उनके लिए 3,000 रुपये का हमने मिनिमम अमाउंट रख रखा, उसके अंदर आप कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से माल पैक करवा सकते हो, जैसे 16x16 या कुछ 12x12 इस हिसाब से भी आप पैकिंग करवा सकते हो। 3,000 रुपये का मिनिमम अमाउंट रहने वाला, और 3,000 के बाद आप जितने भी बड़ा अमाउंट लीजिए कोई इशू नहीं है। बिल्कुल देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्टेप बताया। मैं आपको बताना चाहूँ जो भी अपना व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, इस व्यापार में आना चाह रहे हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की अक्सर नीड रहती है और डिमांड भी काफ़ी रहती है, आप इसको अगर डबल का भी बेचेंगे अच्छा मुनाफा आपको देगा। देखिए होलसेल कस्टमर का एक प्राइजिंग का सबसे ज़्यादा इशू रहता है कि प्राइजिंग क्या मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। प्राइजिंग का हम सर सबसे कम लोएस्ट प्राइस पे हम सबसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है, जितने भी होलसेल कस्टमर है। एक चीज़ और सर, पेमेंट मोड का बात कर लेते हैं। पेमेंट मोड होलसेल कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा इशू रहता है, तो पेमेंट मोड का सर हमने रख रखा है, जैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता तो ऑर्डर बुक के अंदर हम लिखने का 10% पहले एडवांस लेते हैं पेमेंट, ठीक है। जैसे 10% उनका एडवांस आ गया तो उनका फिर माल
प्रोडक्शन में लग जाता है, बनना चालू हो जाता है। जैसे उनका माल रेडी हो जाता है, माल रेडी होने के बाद उनका पार्सल का फोटो वीडियो बन के कस्टमर के पास जाएगा, और उसके बाद 90% जो पेमेंट बची हुई है वो पेमेंट उनको रिलीज करना होगा। बिल्कुल, ठीक है। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रहता है वो कस्टमर को पे आउट देना होता है। और बाकी आपका ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4 दिन के अंदर हम होलसेल कस्टमर का भी डिलीवरी करवा देते हैं। जितना भी बड़ा ऑर्डर है आपका, 100 पीस का रहे या 5000 पीस का रहे, ऑर्डर हम सेम 4 डे के अंदर डिलीवरी करवा देते हैं। बिल्कुल, मतलब सप्लाई इनकी व्यूअर्स ऑल ओवर इंडिया तो रहती है। सर, अपने व्यूअर्स कुछ बाहर अदर कंट्रीज से भी अगर वे आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? सर, एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं, जैसे अदर कंट्री से कस्टमर मंगवाना चाहता है वो भी हम अवेलेबल करवा देंगे। आपको कम से कम उसके अंदर 1 मंथ का टाइम लगता है, 1 महीने का हम डिलीवरी करवा देते हैं। बिल्कुल, देखिए व्यूअर्स, इनका अदर कंट्रीज में ऑलरेडी सप्लाई है तो आप इनसे बेझिझक जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर गिवन है, आपको सारा प्रोसीजर दिखाने वाले हैं, बकायदा आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप इनके नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारा प्रोसेस है बताना। आपको बताना चाहूँगा इनकी फर्म का नाम रहने वाला विजय शीला टेक्सटाइल, और इनका जो ब्रांड है JDX के नाम से इनका ब्रांड है। इनका ब्रांड अमेजोन पे भी मिलेगा आपको, फ्लिपकार्ट भी मिलेगा, और आप इनसे इनकी वेबसाइट पे भी जुड़ के अच्छे ऑफर को गेन करके बड़े अच्छे तरीके से परचेजिंग कर सकते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट का लिंक गिवन है, बकायदा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लिंक आपको टिकर में चला हुआ है। ठीक है सर, जाते जाते और कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स को हमारे? सर, यही चाहता हूँ, जो भी होलसेल कस्टमर है आप एक बार सैंपल मंगवा के चेक कर सकते हो, जो भी आपको सैंपल पसंद आता है तो आप आगे डील करिए, नहीं आता तो कोई इशू नहीं है। और आपको ऐसा चांस ही नहीं देगी कि सैंपल आपको पसंद में ना आए, और माल की क्वालिटी जो हमने सैंपल में रख रखा वही आपका माल क्वालिटी आएगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर इनसे माल परचेज करना चाहते हैं तो आप इनके पहले लिमिटेड पीसेस परचेज किए, जैसे 2 पीस 4 पीस, ताकि आपको इनका पता लग सके क्वालिटी किस तरीके की इनके यहाँ पे रहने वाली। फिर आप इनसे जुड़िए, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में सारी चीज़ें प्रोवाइड करने हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या प्रोसेस रहते हैं इनके पास, आपको पिलो, कुशंस, पॉलिस्टर, सारी तरह की रेंज और क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको इनके प्रोडक्ट्स कैसे लगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए क्लैपफॉर्म।